वेलकम टू लीली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप एक नेवी ब्लू कलर का सूट जो कि डार्क फैब्रिक है उसको पेंट कैसे कर सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा फैब्रिक है, यह है ग्लेस कॉटन। अब देखिए मैं इसको वॉश करूँगी। और वॉश क्यों करते हैं, अभी देखिए ये हमारा फैब्रिक बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा है, मैंने इसको सोक कर दिया है। सोक करने के बाद हम वॉश करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप डिटर्जेंट यूज़ करें, लेकिन वाटर में सोक करना ज़रूरी है। देखिए अब मैंने फैब्रिक को धुलने के बाद सुखा लिया है, अब इसको आयरन करूँगी। इसको मैंने वॉशिंग मशीन में ड्रेन कर लिया था और फिर मैं इसको प्रेस करूँगी, क्योंकि जब कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है तो प्रेस करने में मुश्किल आएगी आपको। देखिए इस तरीके से जब आप आयरन करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका जो फैब्रिक है स्मूथ हो जाता है और उसके टेक्सचर अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, अब आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि क्या वॉश करना ज़रूरी है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जब मैंने फैब्रिक शुरू में आपको दिखाया था तो वो कितना सही था। अब मैंने इसको वॉश किया, आयरन किया है। अब ये देखिए, ये फैब्रिक जो है धुलने के बाद जो उसके धागे हैं जब अपनी जगह पर आए, तब मुझे पता चला कि ये जो कपड़ा है वो तिरछा है, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं मार्क करूँगी। अगर आप धुलेंगे नहीं और डायरेक्टली डिज़ाइन को पेंट कर देंगे तो हो सकता है आप गलत स्पॉट पे पेंट कर। ये हमारा फ्रंट है और फिर मैं वहाँ पे डिज़ाइन ट्रेस करूँगी। अगर आपका फैब्रिक कॉटन है तो आप ज़रूर वॉश करें, उससे स्टार्च निकल जाता है तो जो आपका पेंट है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। ये है मेरी डिज़ाइन जिसको मैं ट्रेस कर लूँगी वाइट कार्बन पेपर से, और अब मैंने सारी लीव को पेंट करना शुरू कर दिया है। लीव को पेंट जब हम करेंगे तो उससे पहले वाइट कोट लगाएंगे, और ये वाइट कोट कैसे लगाना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। इस डिज़ाइन की जो पत्तियां हैं वो मैंने सेम ही रखी है ज़्यादातर, तो मैं आपको सारी ऐसे पत्तियां पेंट करके नहीं दिखाऊंगी, मैं कुछ दिखा दूंगी तो आपको उससे समझ आ जाएगा कि कैसे पेंट करना है। डिज़ाइन के स्केच के लिए चैनल को ज्वाइन करें। जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के स्केच, और मैंने बेडशीट का भी स्केच अभी डाला है। तो अगर आपको वो सारी चीज़ें देखनी है तो आप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। बेड शीट की डिज़ाइन को ड्रॉ कैसे करें, अरेंज कैसे करें, और सूट की डिज़ाइन कैसे बनानी है, या फिर आपको पिलो कवर की डिज़ाइन कैसे बनानी है, इजी जो वीडियोस हैं फॉर बिगनर्स जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। सो अगर आप स्केचिंग में डिज़ाइन के स्केच में इंटरेस्टेड हैं तो मेक श्योर टू ज्वाइन द चैनल। अब देखिए मैं लीव को पेंट कैसे कर रही हूँ। मैंने इसमें ऑलिव ग्रीन कलर यूज़ किया है और वाइट कलर, और जहाँ पे मुझे डार्क चाहिए होगा फिर वहाँ पे मैं सैप ग्रीन यूज़ करूँगी। लीफ को पेंट करने के बाद डिज़ाइन को कनेक्ट करेंगे, उसके स्टेम बनाएंगे और नस डालेंगे, और नस डालने के लिए सैप ग्रीन कलर यूज़ करेंगे और 0 नंबर का ब्रश यूज़ करेंगे। देखिए मैंने सारी लीफ को है पेंट कर लिया है जो डिज़ाइन मैंने बनाई थी। अब मैं फ्लावर को पेंट करके आपको दिखाऊंगी और उसी में मैं बताऊंगी कि आपको थिन बेस कैसे लगाना है। तो सबसे पहले फ्लावर का कलर देख लीजिए, उसको पेंट करने के लिए सबसे पहले हम थिन बेस लगाएंगे। अब आपको साइड पर दिख रहा होगा 2 वाइट कलर, तो जिसमें से मैं अभी वाइट इस पर लगा रही हूँ, उस वाइट कलर में मैंने 50-50 के प्रोपोर्शन में मीडियम और वाइट कलर को मिक्स कर लिया था, और हम एक यूनिफॉर्म लेयर वाइट बेस की इस पर अप्लाई कर देंगे। उसको थोड़ा सा सूखने देंगे, जब हमारे 70-80% ड्राई हो जाएगा तो हम पेंट करना शुरू कर सकते हैं। या हमारा कम्प्लीट ड्राई हो जाए फिर पेंट करें।
कलर मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट, पिंक और रेड कलर। ज़्यादा मैं यूज़ करूँगी वाइट एंड पिंक, और डार्क शेड के लिए यूज़ करूँगी रेड। ब्रश अगर आपको फ्लैट ब्रश यूज़ करना है तो आप यूज़ करेंगे 2 नंबर फ्लैट ब्रश, और राउंड ब्रश यूज़ करेंगे तो 4 या 6 नंबर का राउंड ब्रश यूज़ कर सकते हैं। आगे मैं आपको राउंड ब्रश से भी पेंट करके दिखाऊंगी। मैंने सारे फ्लावर एक कलर का रखा है, बट इसकी जो डिज़ाइन है, तीनों डिज़ाइन मैंने डिफरेंट रखी है तीनों बंच की। अगर आपको अलग अलग बंच का देखना है वीडियो तो आप कमेंट करिएगा, मैं बाद में 1 बाय 1 डाल दूँगी। ये बंच देखिए हमारा कम्प्लीटली पेंट हो चुका है। अब मैं तीसरा बंच पेंट कर रही हूँ। अब आपको साइड में जो दिख रहा होगा फ्लावर, वो देखिए वो कितना डिफरेंट है। सारे रोज़ फ्लावर हैं लेकिन मैंने जो डिज़ाइन है सबकी डिफरेंट रखी है। अभी मैंने आपको इस तरीके का रोज़ पेंट करके दिखाया है, तो अभी मैं नेक्स्ट ये वाला आपको पेंट करके दिखा रही हूँ कि एक कैटेगरी आपको मिल गई, दूसरी कैटेगरी भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि कैसे पेंट करना है। और अगर आपको डिटेल में चाहिए वीडियो तो आप कमेंट करिएगा, मैं डाल दूँगी। आपको डिज़ाइन स्केच या कुछ स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप चैनल को ज्वाइन करें। आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको डिज़ाइन के स्केच वहाँ पर अवेलेबल है। देखिए इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने अपने सारे बंचेस को पेंट कर लिए हैं। तो ये हमारा जो सूट होता है उसका दामन, उस पर मैंने इसको अरेंज किया था। ये हमारा कंप्लीट हो गया है, और ये इसका कलर आप देखिए, आपको वाइट बेस ज़रूर लगाना है वरना ये सारा कलर एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका बहुत ही डल हो जाएगा अगर आपने वाइट बेस स्किप किया। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया है। अब आइए मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। इसके साथ मैंने पिंक कंट्रास्ट लगाया है।
आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, क्योंकि जो इसका कलर है फैब्रिक का ब्लू और पिंक एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं, और फ्लावर में भी मैंने वही कलर रखा है, तो फ्लावर और जो दुपट्टा है हमारा वो एक साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको ये कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसके साथ आप कौन कौन सा कलर कॉम्बिनेशन लगाना चाहेंगे ये भी मुझे ज़रूर बताएं। सूट पेंटिंग की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट सूट आपको पेंट करके दिखाया है, वो मैं आपको दे दूँगी प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर, इस पर क्लिक करके आप देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।